देशभक्ति जन सेवा करते हुए खुद ही शहीद हो गए टीआई वास्कले। दरअसल मामला कुछ ये था कि थाने पर सूचना मिली थी कि जामनेर नदी के कुंड गांव स्थित डैम पर एक व्यक्ति का शव देखा गया। सूचना मिलते ही टीआई दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को निकालने के लिए स्वयं ही कूद गए, लेकिन पानी में भंवर होने के कारण वह भंवर के जाल में फंस गए। पुलिस टीम के सदस्यों ने उन्हें बाहर निकाला और तत्काल नेमावर हॉस्पिटल लाए, जहां से उन्हें उपचार हेतु हरदा भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टीआई राजाराम वास्केल बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के थे। घटना की सूचना मिलते ही विधायक आशीष शर्मा भी तत्काल मौके पर पहुंचे और इस घटना को पुलिस महकमे के साथ ही आम लोगों में भी गहरा सदमा छा गया है। टीआई वास्केल के निधन पर विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा, SDOP ज्योति उमट के साथ ही खातेगांव, कन्नौज, सतवास, काटाफोड़, बागली, उदयनगर, पूजापुरा के साथ ही जिले के समस्त पुलिस स्टाफ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक व्यक्त किया है। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। थाना प्रभारी नेमावर राजाराम वास्कले को सूचना मिली थी कि कुंडगांव में डैम में एक डेड बॉडी है, तो मौके पर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे थे और वो डेड बॉडी जो थी वो भंवर में घूम रही थी, जो कि राजाराम वास्कले बहुत संवेदनशील पुलिस अधिकारी थे, तो उनने सोचा कि वो डेड बॉडी को स्वयं निकाल लेंगे और वो अपना कपड़ा निकाल के उस नदी में उस डेड बॉडी को निकालने के लिए कूद गए। दुर्भाग्य से उस भंवर में वो स्वतः फंस गए और फंसने के बाद थोड़ा उस भंवर में डूब जैसे गए और जब उनको बाहर निकाला गया, पंपिंग की गई, उनका पानी निकाला गया, CPR किया गया, नेमावर अस्पताल लाया गया, फिर हरदा में लाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये पिछले 2 साल से यहाँ थाना नेमावर में पदस्थ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।